नमस्कार दोस्तों हमारे अपनी यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम आज जो एमपी व्यापम जेरप्रेरी का जो एग्जाम पेपर था 29 सितंबर 2008 फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसके कुछ क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो आइए, तो फ्रेंड एक क्वेश्चन था, एमपी में आनंद विभाग के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट था, कमल मंदिर दिल्ली में किस धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स बहाई धर्म से संबंधित है, जो कलम लोटस टेम्पल है। और एक फ्रेंड्स एक पूछा था कि खुद का लोगो या स्लोगन किस मतलब वन्य जीव अभयारण्य वगैरह का है। और ठीक है, अब बात करते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। तो साइंस में एक क्वेश्चन था फ्रेंड, अपरक्ष रोग है यानी कि बॉर्न वेक्टर डिसीज क्या है, कौन सी है। ये क्वेश्चन था फ्रेंड, मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था, पानी की बाल्टी उठाते समय कौन सा बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, मजबूत उपास्थि कौन सी रहती है। एक फ्रेंड बर्फ से क्वेश्चन था कि एक इस टाइप से क्वेश्चन था कि कोई आधा ग्लास है जिसमें पानी भरा है और आधे में बर्फ है। अब उसका यदि टेम्परेचर मापना है तो आप कब मापोगे, ऐसे एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, जंग का सूत्र क्या होता है। तो जंग का सूत्र रहता है फ्रेंड्स Fe2O3 फिर NH2O। ठीक है, पौधे जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें कौन कौन से जो तत्व अवेलेबल रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स एक तो सूर्य की रोशनी चाहिए, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स एक पानी वगैरह, और ठीक है तो इस टाइप से ये। और नेक्स्ट था फ्रेंड, एक विद्युत घंटी का क्वेश्चन था, एक विद्युत घंटी से कुछ क्वेश्चन था। और प्रोटॉन के जो प्रोटॉन रहता है उसके नाभिक की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड प्रोटॉन की खोज एक्चुअल में जे.जे. थॉमसन ने की थी। इसका आंसर आप देख लेना नाभिक का क्या है और किसका द्रव्यमान ज़्यादा रहता है, ऐसे कुछ उन्होंने तत्व दिए थे फिर उनका द्रव्यमान पूछा था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मैथ्स की, साइंस हो गया। फ्रेंड एक घनमूल पूछा था जिसके लास्ट में 7 था डिजिट। तो फ्रेंड इसका जो घनमूल आएगा एक्चुअल में फ्रेंड्स 3, जिसके लास्ट में 3 हो ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट था एक एक क्वेश्चन था फ्रेंड कि 40% कोई महिला है 40% दूरी बस से तय करती है, ठीक है, और बाकी दूरी उसने पैदल तय की। कुल टोटल जो दूरी है 80 किलोमीटर था, तो पैदल उसने कितनी दूरी तय की। देखिए फ्रेंड्स 40% दूरी तो उसने बस से तय की है, यानी कि फ्रेंड कुल टोटल उसने जो 60% दूरी है वो पैदल चली है, और कुल टोटल दूरी कितनी 80। तो 80 का 60% कितना होगा फ्रेंड, 48 किलोमीटर। तो इसको इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स एक कुछ क्वेश्चन था कि एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। तो उन्होंने पूछा था कुछ के इतने उसके लिए कितने क्या पात्र लगेंगे, पैकेट लगेंगे। तो फ्रेंड 201 पैकेट उसका आंसर आया था। एक क्वेश्चन था फ्रेंड इस टाइप से कि a इंटू a इंटू a इंटू इंटू b इंटू b 3 टाइम, तो इसका फ्रेंड a+b का होल क्यूब आएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था कि a-b का स्क्वायर क्या होगा। तो a-b का फ्रेंड्स ये मेरे हाथ से दब गया है, a-b का होल क्यूब a³ + b³ - 2ab। ठीक है, ये फ्रेंड्स मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, इनका सॉल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स ये था, आपको 6 नंबर का दिख रहा होगा कि 3 - 3 × 3 / 2 × 7। इसी तो ये था फ्रेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका जो आंसर आ रहा है 3/7 आ रहा है। एक क्वेश्चन था फ्रेंड कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, तो परिधि क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स के की वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछा था, कुछ मध्य बिंदु वाले क्वेश्चन पूछे थे 2 क्वेश्चन, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था फ्रेंड, मुझे सही से ध्यान नहीं है। एक ये जो भी मुझे ध्यान है उनका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। व्हेल जो शार्क एक जो भी मान लीजिए आपकी गति 1 वर्ष में 5 किलोमीटर है, तो 3 वर्ष में कितनी 15 किलोमीटर फ्रेंड्स। ठीक है, इस टाइप से एक क्वेश्चन था फ्रेंड, एक लड्डू का वजन 400 ग्राम है, तो 4000 किलोग्राम में कितने लड्डू बनेंगे। तो फ्रेंड 1000। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए 10 लड्डू पे कितना हो गया 4 किलो, ठीक है, 40 पे कितना हो गया 400 किलो पे 100 लड्डू, और 1000 पे 1000। ठीक है, एक एक ये क्वेश्चन था फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन है।
14 नंबर का एक टंकी 2/3 मतलब भरी है, 66% वो भरी है। फुल भरने के लिए उसे 50 लीटर जल और लगता है और चाहिए, तो कुल क्षमता कितनी होगी? देखिए फ्रेंड, 2/3 भरी यानी कि 66, यानी कि फ्रेंड्स 66 ठीक है, 100 में से 66 घटा 33% खाली है। अब फ्रेंड 33% खाली है यानी कि फ्रेंड्स तो ये कितना हो गया इसका, 50 ठीक है, तो 150 फ्रेंड्स इसका निकले।